डूबते हुए सूरज के साथ सुबह सुबह मथुरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर छाता में स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में न जाने कितनी बसें आती हैं, जिनमें से हजारों की तादाद में वर्कर्स उतरते हैं और एक अद्भुत खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। ये खुशी कुछ और नहीं, रोजगार मिलने की है। वो रोजगार जिसने उनके जीवन में एक नई उमंग और आशा भर दी है। वो रोजगार जिसने उनके जीवन को नई दिशा और उन्हें एक नई पहचान दी है। आइए जानते हैं कि इस खुशी ने उनके जीवन में कैसे दस्तक दी। पांच बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। भारत की GDP का 4% हिस्सा देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2014-2015 में टेक्सटाइल और अपैरल का एक्सपोर्ट जहां 38 अरब डॉलर है, वहीं 2016-2017 तक ये 65 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है। सन 2016-2017 तक घरेलू भारतीय कपड़े उद्योग का बाजार 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय कपड़ा उद्योग में इसी ग्रोथ के चलते आने वाले सालों में स्किल्ड वर्कफोर्स की खासा जरूरत देखने को मिल रही है। देश में स्किल्ड वर्कफोर्स 20 से 24 साल की केवल 5% है, जबकि डेवलप्ड देशों में ये 60 से लेकर 90% है। इन्हीं हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत दिल्ली में की, जिसके तहत तकरीबन 40 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार युक्त बनाया जाएगा। 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा या 10 वर्ष से कम की भी स्कूली शिक्षा, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा, अगर उसके साथ 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए तो वो आपको रोजगार के लायक बना सकता है, और यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री की इसी पहल को मद्देनजर रखते हुए 2014 सितंबर में टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना हुई। TSC एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाना है। ये NSDC से अप्रूव्ड संस्था है। TSC का मुख्य ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री की स्किल रिक्वायरमेंट को समझना, टैलेंट पूल बनाना जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजा जा सके। ट्रेनिंग पार्टनर के साथ मिलकर देश भर में TSC ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड मैन पावर को स्किल्ड और सर्टिफाई करने का जिम्मा बखूबी निभा रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है। आज ऑटोमेटिक मशीन और ट्रेन्ड वर्कर्स के माध्यम से टेक्सटाइल काफी तरक्की कर रहा है। आज और आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब्स की भरमार रहेगी। आइए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इस प्रक्रिया से रूबरू हूँ। आज से कुछ साल पहले पूनम और उनकी बहन कोमल के लिए घर की परिस्थितियां बहुत दयनीय थी। दोनों बहनों को पढ़ाई के लिए साधन भी उपलब्ध नहीं थे। मां के लिए घर में मौजूद 8 सदस्यों के साथ परिवार की रोजी रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा था। मां चूल्हे की तपिश में रोटी बनाती और सोचती कि कब उन्हें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। तभी एक दिन कोमल को रोजगार मेले के बारे में पता चला। कोमल पूनम के साथ उस मेले में गई जहां उन्हें गिनी फिलामेंट के लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और इसके तहत दी जाने वाली स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताया, जिसके बाद पूनम और कोमल ने वहां खुद को एनरोल करके कुछ महीने की स्किल ट्रेनिंग ली
और आज कोमल और पूनम टेक्सटाइल कंपनी में डॉफर के रूप में काम कर रही हैं और साथ में ही अपना परिवार भी चला रही है। आज से कुछ समय पहले की बात है कि मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पापा के पास कोई काम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। तो हमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता चला, तो हम दोनों बहनों ने उनसे ट्रेनिंग ली। तो आज मेरा कार्ड असिस्टेंट वार्नर का कार्ड है, तो आज हम काम करते हैं और मैं बहुत। आज पूनम और कोमल के घर गैस चूल्हा आ चुका है और घर भी पक्का हो गया है। ऐसी ही एक और कहानी है बबली की, जिसके घर 5 मेंबर्स थे लेकिन बाप के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। घर में मायूसी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रोजगार मेले में गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताया। फिर वहाँ से मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मैंने ट्रेनिंग ली, वहाँ से मैंने सीखा। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, पैसे कमा रही हूँ और मैं अपने घर वालों की भी हेल्प कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाले भी खुश हैं। तो इस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मात्र कुछ दिन की स्किल ट्रेनिंग से कोमल ने हुनर सीखा और आज वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में 2 करोड़ रुपए की आधुनिक टेक्सटाइल मशीन कुशलता से चला रही है। और इस हुनर ने कोमल को समाज में एक नई पहचान दी है। बबली कुमारी ने भी PMKVY के तहत तकरीबन 1 महीने की स्किल ट्रेनिंग के दौरान नया हुनर सीखा और आज वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में हर रोज तकरीबन 1.5 टन का धागा बनाती है। बबली को गर्व है कि आज अपने हुनर की बदौलत वो अपने देश की तरक्की में योगदान दे रही है, जिसने उन्हें समाज में आज एक नई पहचान दी है। पूनम, बबली और कोमल की तरह और भी कहानियां हैं जो बताती हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सर्टिफिकेशन की वजह से लोगों का जीवन बदला है। अपार संभावनाओं से भरी पड़ी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आज 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। आप भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में नया हुनर सीखकर बना सकते हैं दुनिया में अपनी एक नई पहचान। चलो सीखे एक नया हुनर और चले काम पर स्किल इंडिया के साथ। अब तक लाखों लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। कौशल भारत, कुशल भारत।